हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी ठीक हो ना? और आप घर पे बैठ के अपनी वर्कशीट का काम पूरा कर रहे हो ना? और आप मास्क का भी प्रयोग कर रहे हो ना? मास्क का प्रयोग जरूर करना है, घर से बाहर निकलना है तो बहुत ज़रूरी है ये मास्क का प्रयोग, ठीक है? आज हम क्लास थर्ड की हिंदी करेंगे। हिंदी में हम देखेंगे कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, हम उस पर गोले लगाएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली में ढूंढो और गोला लगाइए, ठीक है? ये हमारी एक वर्ग पहेली है और इसमें हमें पानी जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है वो शब्द लिखे हुए हैं और हमें उन्हें ढूंढ के लिखना है, ठीक है? ये पहला हमारा सागर है ना, इस पे तो हमारा ये ब्लैक निशान लगा ही हुआ है, ये ऐसे करके, ठीक है? तो सागर से भी हमें पानी प्राप्त होता है। अब दूसरा हम क्या ढूंढें, ये देखिए ये है कुआ, तो हम इस पे निशान लगा देंगे, ठीक है? अब और देखिए, और हमें ये दिखाई दे रहा है नल, नल, ठीक है? हम नल पे निशान लगा देंगे। और देखिए, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, झील, ठीक है? हम इस पे झील पे भी निशान लगा देंगे। और हमें क्या समझ में आ रहा है, बावड़ी है ना, ये भी एक जल का स्रोत है, यहाँ पे हम पानी को इकट्ठा करके रखते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है? और देखिए, और कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये है बारिश, ठीक है? हम बारिश पे लिखा देते हैं, है ना? और देखिए, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, नदी, नदी, ठीक है? हम नदी पे लगा देते हैं। हमें और कहीं दिखाई कुछ, ये क्या है, तालाब, ये रहा, तालाब, ठीक है? और कुछ दिखाई दे रहा है आपको इसमें, ये रहा टांका, तो टांका भी एक पानी का स्रोत है, ठीक है? और ये लिखा है क्या आप 10 ढूंढ पाए, तो अब हम गिनते हैं हमने 10 ढूंढ लिया या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने तो 9 ही ढूंढ लिया, एक और होगा, देखो। हाँ, ये देखिए नहर, ठीक है? ये हमारा ये लग गया नहर, ठीक है? अब हमारे 10 पूरे हो गए ना, ठीक है बच्चों? ये देखिए बच्चों, आज हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ये 10 जगह हमने ढूंढ लिए हैं जहां से हमें पानी प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों? अब तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई ना, अब तो ये वर्कशीट आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।